बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग के पास रिव्यू लेकर आई हूँ लेयर्स बेक शॉप का, और जितने भी चॉकलेट लवर्स हैं उन सब के लिए ये बेकरी बहुत अहम होने वाली है। यहाँ पर 90% चीज़ें चॉकलेट की हैं और तमाम आपको चॉकलेट की वैरायटी मिल जाएगी, हेज़लनट चॉकलेट, हर तरह की चीज़ें। सिर्फ जो चॉकलेट की नहीं चीज़ें हैं वो है लोटस संडेस है, लोटस टार्ट्स हैं और बनाना कपकेक्स, बनाना ब्रेड है। तो ये सब चीज़ें चॉकलेट की नहीं है, बाकी तमाम चीज़ें डार्क चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट और वाइट चॉकलेट, ये तमाम चॉकलेट से भरा पड़ा है। और ट्रस्ट मी, इनकी इतनी कॉमन और इतनी कम प्राइस है, ये उनका पैकेज इस तरह आपको मिलता है और इनके ऊपर बड़ी अच्छी लाइन लिखी हुई है, दिस इज़ फॉर यू बट आई सीक्रेटली विश इट वॉज माइन। तो ये स्पून इनके मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं, टू बी ऑनेस्ट, एक ऑनेस्ट रिव्यू है। ये आपको ये न्यूटेला ब्राउनी है जो मैं इस टाइम आपको दिखा रही हूँ, और ये है इनका मिल्क चॉकलेट कपकेक। ये दोनों बहुत अच्छे थे और मैं इनका डिटेल रिव्यू आगे आपको भी दिखाऊंगी, वीडियो देखती रहिएगा। ये इनका डब्बा है ब्लू कलर का और मुझे बहुत अच्छा इसका कलर लगा है। अब बात कर लेते हैं इनकी प्राइस इफेक्टिव क्यों है। प्राइस इफेक्टिव इसलिए है इनकी क्योंकि अगर आप लोगों ने किचन कुजीन का नाम सुना हो तो वहाँ पर एक पेस्ट्री 375 या 380 की आती है। देखिए, जिसमें आपको बताया था दिस इज़ फॉर यू बट सीक्रेटली आई विश इट वॉज माइन। तो ये हम किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं एंड इट्स अ वेरी गुड पैकेजिंग। इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है और ये इनका ऐसे बैग है जिसके अंदर अपनी पेस्ट्रीज वगैरह डाल के देते हैं। बेस्ट बात इसकी ये है कि ये देखें, ये जो मिल्क चॉकलेट कपकेक है ये इनका सिर्फ और सिर्फ 150 रुपीज़ का है, यानी 150 रुपये का। और अगर किचन कुजीन की बात करें तो उनकी एक पेस्ट्री ही 400 के करीब आती है, जो कि बहुत बड़ा प्राइस डिफरेंस है। चम्मच इनके मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, स्पून इनके बहुत अच्छे हैं, और ये है जी न्यूटेला ब्राउनी जो कि बेचारी चिपक गई है मेरी डब्बे को सही ना रखने की वजह से। ये सिर्फ 120 रुपीज़ की है, कैन यू इमेजिन 120 रुपये में। और ये इतनी मॉइस्ट, इतनी अच्छी, इतनी स्वीट और इतनी, मतलब क्या कहूँ, इतनी अच्छी है कि इसका कोई जवाब नहीं। मैं आपको इसको दिखाती हूँ, ख़राब तो होनी थी, हो गई, लेकिन जस्ट लुक एट इट स्पंज, आपको स्पंज देख के ही लग रहा होगा कितनी फजी ये ब्राउनी है। और दूसरी बात ये है कि जो भी लोग ये बहुत चॉकलेट लवर्स हैं और वो चाहते हैं कि उनको अच्छी पेस्ट्री मिल जाए रीज़नेबल प्राइस में, तो आप ये वाली ज़रूर ट्राई करें। मुझे तो इतनी पसंद है इनकी न्यूटेला ब्राउनी। थोड़ी सी ना आजकल मुझे डेरी मिल्क का टेस्ट थोड़ा अजीब लगना शुरू हो गया, वैसे मुझे डेरी मिल्क बहुत पसंद थी, तो इस वजह से मुझे इनका मिल्क चॉकलेट कपकेक थोड़ा सा ना उसी डेरी मिल्क की फॉर्म में लगा, क्योंकि बाकी वो मिल्क चॉकलेट था। तो ये तो देखें इसकी न्यूटेला ब्राउनी है, अंदर इसकी लेयर्स आप लोग देख सकते हैं। आप मेरे कहने पर इसको एक दफ़ा ट्राई करें कि दो ब्रांच है, एक अभी ब्रांच और टाउन में है, एक ब्रांच है इनकी इलाम इकबाल टाउन में, ये वाली इलाम इकबाल टाउन की ब्रांच है जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, जलाल सन्स के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आती है। जलाल सन्स भी इवन ऐसी पेस्ट्रीज नहीं होंगी, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर अपना रिव्यू शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।